समय से मिलता है। उसके पीछे महत्वपूर्ण योगदान जो है मुझे लगता है कम स्पीकर होने की वजह से लोगों का शांति सब कुछ में वैसी छोटी छोटी बातों का ध्यान। और सबसे महत्वपूर्ण है जिनसे ओरिजिनल्स हैं और लोग ऐसे करेंगे इसमें इतना अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैक्सिमम सर्किट हाउस में जो है बैठक की जाएगी। मोटा मोटी कोई भी जितने भी रूल्स हैं आपके यहाँ लिखे गए हैं आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन में दर्ज हैं आप सभी जुड़े जुड़े सारे लोग हैं जो बात करिए और विभिन्न प्रकार के खड़ों के भी जन प्रतिनिधि जो आए हैं उनका मैं थाना कोतवाली पुलिस में स्वागत करता हूँ। आप सभी के सामने नए इंस्पेक्टर साहब जो है हमारे कोतवाली के इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था तो ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो। हमारे इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह है यहाँ से पहले थाना कोराबाद के इंस्पेक्टर रहे थे। ये आपके मुहर्रम से मुहर्रम के त्यौहार और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उसमें थाना कोतवाली पुलिस और आपको सुलभ रूप से अवेलेबल मिलेंगे हर समय। पिछले साल ही तेजी की दो जिलों में तो तार की वजह से ट्रेन का दिया तार में तो छू गया तो जो है बेचारे झुलस गए या कोई घटना हो गई तो बड़ा रहस्य मोमेंट होता है। कहीं क्या दिशा निर्देश दिया गया है क्या एहतियात बरती जा रही है? जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में आज 7 तारीख से शुरू हो रहे मुहर्रम के पारों के संबंधित जितनी भी एहतियात बरतनी है उन सबके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और मुतवली एक्शन कमेटी के और विभिन्न अखाड़ों के जो लोग हैं सबके साथ बैठक की गई है। सभी को बताया गया है कि अपने जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनकी लिस्ट वगैरह दें एक परफॉर्मा है वो भरवाया जाएगा उसी परफॉर्मा के आधार पर निर्धारित समय पर सभी लोग अपना जुलूस निकालेंगे और पूर्व की भांति किसी प्रकार की कोई नई परंपरा स्थापित नहीं की जाएगी और इन्हीं गाइडलाइंस है शासन द्वारा दी गई उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा। ताजिया का कई बार दुर्घटना है उसको लेकर क्या निर्देश दिया गया है? ताजिया की जो हाइट है वो जो विभिन्न तार वगैरह यहाँ पे जो गाइडलाइन है पूर्व में जो दी गई है शासन द्वारा दी गई उन्हीं के आधार पर होगी। ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए हाइट जो है ताजिया की वो कम रहनी चाहिए इस तरीके की सारी बातें हैं वो पहले भी बताई गई पूर्व में निर्गत की गई और इस बार दोबारा से फिर से मुतवलीज़ की एक और बैठक बुला के उनको भी निर्देश दिया जाएगा।